Hello and welcome to King of Road Shows 11 number. I'm your host Taj Sheikh and today we are at Lake City. यहाँ एक रीजन एक है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कॉन्सर्ट होने वाला है. एनी फलक रोजन सब आके यहाँ परफॉर्म करेंगे और हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि देखें कि लोग कॉन्सर्ट्स में आते हैं तैयार होकर ड्रेसिंग करके लड़के लड़कियाँ उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि वो रोड पर निकले थे यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए ये वो तो आए देखते हैं लोगों की ड्रेसिंग और क्या हिसाब किताब है उनकी ड्रेसिंग का. तो आ जाए मेरे साथ और करते हैं 11 नंबर. भाई साहब क्या नाम है आपका? फैसल खान. फैसल खान, फैसल खान आप मुझे बताएं आज आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हो राइट? मैं बेसिकली रोजन बैंड का मैनेजर हूँ. ओके जी. और फलक को भी मैनेज करता हूँ तो मैं यहाँ पर सारी चीजें जो है वो देख रहा हूँ. यू लुकिंग लाइक अ रॉक स्टार और यही मैं चाहता हूँ कि आप बताएं अपने बारे में. तो मैं अपने बारे में क्या बताऊँ? अपनी ड्रेसिंग के बारे में. मेरी ड्रेसिंग के बारे में मुझे जी फटी हुई जीन्स बहुत पसंद है. ठीक है. और मुझे कैजुअल बस उसकी वजह ये है कि बस मुझे मेरा ख्याल अपनी शादी में भी फटी हुई जीन्स पहनूं. माशाल्लाह इतना डेयरिंग इंसान. और उसके अलावा मुझे कैजुअल टी शर्ट्स बहुत पसंद है और स्पाइक्स अच्छे लगते हैं. ठीक है. तो ये सिंपल सी चीज़ है. वेस्टकोट वाला सीन है. वेस्टकोट बस इसलिए पहन लिए कि थोड़ा सा डिसेंट भी लुक आ जाए. ठीक है. लेकिन अगर ऊपर ऊपर तक मैनेजर हूँ नीचे फिर सारा रॉकस्टार हो गया ना. ठीक है. तो ये जो इतना ज्यादा ब्लेंड करने की कोशिश की जाती है फटी जीन्स के साथ वेस्टकोट और वो आप कह रहे हैं कि डिसेंट लग सकता है. इसी को कहते हैं नया फैशन. इसी को कहते हैं. देखिए ना अगर मैंने यही जानने के लिए घर से निकले हैं. बिल्कुल जी. मैं आपको ये आप बहुत अच्छी जगह पर आ गए. देखिए ना अब ये जो वेस्टकोट है ना इसकी भी एक स्टोरी है. जी जी जरूर. ठीक है. इस ये वेस्टकोट आप शलवार कमीज के ऊपर भी पहन सकते हैं. ठीक है. आपने जुमा पढ़ने जाना है आप ये पहन जाए. ठीक है. आपने जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं आप इसको. आप इसको शॉर्ट्स पहन के वेस्टकोट नहीं छोड़नी क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखिए फटी हुई जीन्स में जेबें भी फटी हुई. हाँ बिल्कुल शाहरुख खान. बिल्कुल. ठीक है. तो आपको नहीं लगता कि वेस्टकोट उसके लिए छोड़ देनी चाहिए? वो उन्होंने बहुत पहन ली ना. जब उन्होंने पता नहीं कौन सी मूवी आई थी उसके बाद से उन्होंने बहुत पहनी है. वो मार्केट में शॉर्ट हो गई थी लेकिन अब मिल रही है. मिल रही है अब मिल रही है. चलो शुक्र आपको मिल रही है. ओवरऑल आपकी लुक काफी अच्छी रॉक स्टार है. उन्होंने जो है पूरी लुक आपकी? नहीं 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 अच्छा। पूरी लुक नहीं यार. अच्छा, मतलब सारा क्रेडिट आप उसको दे रहे. अच्छा, अच्छा। ये मेरे दोस्त ने जी मेरे लिए गिफ्ट की थी. उसको पता है कि मुझे फटी हुई जींसें बहुत पसंद है तो उसने मुझे गिफ्ट कर दी थी. ठीक है. हम जरूर आपकी ड्रेसिंग को रेट करेंगे. आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. हैदर आप रोजन के यू नो लीड गिटारिस्ट हैं माशाल्लाह. तो आज के लिए क्या प्लान है क्या प्ले करना है? यार अभी डिसाइड नहीं किया. माइंड में क्या है? रॉक करनी है पूरी. रॉक पूरी रॉक नाइट होगी होपफुली. और इंशाल्लाह क्राउड को उठा के रखेंगे भी. चलें तो, ये तो होगी कॉन्सर्ट की बात. फैशन की बात करें थोड़ी सी? नहीं यार थोड़ी सी. चलें चलें अपनी हेयर स्टाइल से शुरू करें. मुझे बताएं अपनी ये पूरी लुक जो गिटारिस्ट लुक है आपकी. ठीक है ना. ये क्यों हर गिटारिस्ट इस तरह क्यों मस्त मस्त होता है यार? ये बाकी गिटारिस्ट का तो मुझे पता नहीं है. अपना अपना मेरा ये मसला है कि लेजीनेस का थोड़ा सा इशू है कि मुझे बाल कटवाने का वैसे शौक नहीं है. वो उठ के जाना पड़ता है. मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ में. और ये जो गिटार बजाते हैं लीड गिटारिस्ट है वो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. आर्टिस्ट है. आर्टिस्ट आर्टिस्टिक काम आ जाता थोड़ा सा. उसके अलावा हर चीज़ से नफरत है. ओवरऑल अपनी लुक को अपने फैशन को कैसे बताएं क्योंकि आप शो भी इसकी फील्ड में रोजन के लीड गिटारिस्ट हैं. आपको आगे आके दिखाना पड़ता है आप बजाते हैं जब. ठीक है. तो आपको क्या लगता है कि आपकी ड्रेसिंग उस तरह की है कि लोग आपको देख के कहेंगे कि यार रॉक स्टार है? कैजुअल नहीं आपकी लुक भी माशाल्लाह काफी लेजी लूजी ढीली डाली सी लग रही है. बिल्कुल. तो इसके बारे में और नीचे जो शूज है जी हाँ रॉक स्टार के बिल्कुल अगेंस्ट आपने फॉर्मल शूज पहने हैं. जी हाँ. वो क्यों यार? ये एक इमेज है. अच्छा 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 ये बताएं ये इमेज बताएं. इमेज ये है कि कोई चीज ऐसी आपस में हर ड्रेसिंग का जो भी आइटम है ना वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करे. ठीक है. ये पता नहीं मेरी अपनी थ्योरी है फैशन की. ये किसको कर रहे हैं जूते? प्लीज ये जूते जो है ना ये मेरी जीन्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. ठीक है. और जीन्स शर्ट को कर रही है? जीन्स शर्ट को कॉन्ट्रडिक्ट. शर्ट वालों को कर रही है? और हम ये सारे झूठ मान लेंगे. और ये सारा कुछ जो है ये गिटार को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. बिल्कुल ठीक है. आज की ड्रेसिंग को रेट करना चाहेंगे अपनी ड्रेसिंग को एज अ रॉक स्टार? आप रॉक स्टार हैं रिमेंबर दैट. आपने भी स्टेज पे जाना है सबसे आगे. ठीक है. उस लिहाज से 7 आउट ऑफ 10 11 से चले. ठीक है. 11 आउट ऑफ 10 दे दो. चले ठीक है. वी विल रेट यू आल्सो. थैंक यू. इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू. ये देखा आपने ये रोजन बैंड के लीड गिटारिस्ट थे और आपने उनकी ड्रेसिंग देखी ढीली डाली थी जो कि ठीक नहीं थी. लेकिन चले फिर भी आगे देखते हैं कोई हमें इनफील्ड रॉक स्टार मिलता है. आज
क्या नाम है आपका? शान भट्ट। शान भट्ट, माशाल्लाह। शान, शान मुझे अपनी लुक के बारे में बताओ खुद। आपके सामने है मेरी लुक, तुम सामने a little unique. Unique, यार in fashion है, काफी bold भी है पाकिस्तानी के हिसाब से, लेकिन you are in fashion, totally. Yeah. Head to toe लग रहे, आप खुद बताओ। The fact is I just love to be different from people. Okay, ये आप देख सकते हैं, style है, style top to bottom. I just love to be different. That's it. And yeah. ठीक है, gym नहीं जाते आप? जिम यार बॉडी ज्यादा एंड हो जाता है इस वक्त, तुम शान एक्टर को पकड़ते जाके। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है यूनिवर्सिटी के बाद और ऑफिस जाना, ये वो, ये आपको पता है आदत बढ़ जाती है उसके बाद। ये दिखाओ जरा ऑडियंस को, ये जो कान इधर आईब्रो पे दिखाओ जरा, क्या बात है। तो पूरा तुम्हारा वो जो एमओ लुक है, समझ रही हो? Yeah, yes. उसके बारे में बताओ कि ये कितना पाकिस्तान में इन है, स्पेशली लाहौर। पाकिस्तान में लाहौर में अच्छी जगह पे इन है, लाइक डिफेंस वगैरह। अब तो आप दूसरी जगह पे चले जाएं तो ओवर लगता है, ओवर लगता है। यही बात है, ये जो इतना गैप है सिर्फ नहर क्रॉस करके, वो बिल्कुल गिर जाती है इमेज, नहर के इस तरफ बहुत आला इमेज है, इसको तुम कहाँ देखते हो? ये चीज बदलनी नहीं चाहिए यार, ये बदलनी चाहिए, लेकिन ये है कि आपके पीपल इलिटरेट है सारे, ठीक है, एजुकेशन है ही नहीं। एजुकेशन जब आप यूनिवर्सिटीज में भी आ जाओ तो 80% लोग इस चीज को बुरा समझते हैं, 20% लोग अच्छा समझते हैं, मतलब कि इस चीज पे कोई मसला नहीं है। स्टाइल पे क्या इशू है? जो अपनी अपनी, अपनी, अपनी लाइफ है, यू हैव नो इश्यूज विद द पीपल, वो किसना रह रहे हैं किसना नहीं रह रहे। ओवरऑल लुक तुम्हारी बिल्कुल आला है, स्नीकर से लेके हेयर स्टाइल तक, सिर्फ ये मसला था ये बटन के खोले में। हाँ यार ये मतलब ठीक है, माचो माचो सी लुक आती है, लेकिन उसके लिए बॉडी भी होनी चाहिए ना। वो आपकी बात ठीक है, बस ये एक पॉइंट कम था, बाकी सब ठीक है। मानते हो गलत था यार, बॉडी के लिए आज से बॉडी पूरी लुक भी हो जाएगी, हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो तब तक हम तुम्हारे नंबर काट के रखेंगे। आज की ड्रेसिंग को रेट करो 1 to 11। आप बताएं, हम तो करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन जानना चाहते हैं मैं आपने क्या सोचा था। मुझे लगता है कि अभी भी एग्जैक्ट नहीं है जो मैं चाहता हूं, कि नहीं मैं 10 नहीं दूंगा, 7 यू आर अबव 7, यू आर अराउंड 9 and 8, 10। वो भी ये थोड़ी सी बॉडी के पॉइंट्स, क्योंकि ओवरऑल पर्सनैलिटी और लुक जो थी ना वो थोड़ी सी शेडो होती है इस चीज से, लेकिन आई थिंक अभी तक के मुझे सबसे फिट लड़के मिले हैं इस कॉन्सर्ट पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शान को मैं ये पास देने लगा हूँ, जो कि मेरा अगला एपिसोड है स्टेप्स कॉलेज में, वहाँ एक कॉपी कैट्स से एक फेस्टिवल होने जा रहा है, और मैं चाहूँगा कि शान वहाँ आए और शान ये बटन बंद कर कर आए अगली बार और एक नई लुक लाएँ, ताकि आप लोगों को दिखाएं कि शान के पास एक और डिफरेंट लुक है। तो बेस्ट ऑफ लक, और अगली बार मुझे जरूर मिलना मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू।